और जनाब क्या चल रहा है? मोए 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 चुप मोए मोए ओफो, आखिर ये मोए मोए है क्या जिसकी इस वक्त हर जगह चर्चा हो रही है। इंटरनेट पर मोए मोए ने जो सनसनी मचा रखी है वो किसी से नहीं छुपी है। रील से लेकर लोगों के जुबां तक मोए मोए ने तो गदर काट रखा है। दिल्ली पुलिस भी इस ट्रेंड में अपना हाथ आजमा चुकी है। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ भी वायरल हो जाता है। कभी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तो कभी रसोड़े में कौन था, तो कभी पौड़ी हो रही है, और अब ये मोए मोए। लेकिन 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 वायरल हो रहे मोए मोए गाने की कहानी शायद ही आप जानते होंगे, है ना? नहीं। और उससे भी जरूरी बात कि ये मोए मोए नहीं बल्कि मोए मोरे है। मोए मोए ट्रेंड एक सर्बियाई म्यूजिक वीडियो के बाद वायरल हुआ है। इस म्यूजिक वीडियो का नाम डजानम है। इसे सर्बियाई गायिका तेया डोरा ने गाया है, और इस गाने को तेया डोरा ने सर्बियाई रैपर स्लोबोदान वेलकोविक कोबी के साथ मिलकर लिखा है। अब तक इस म्यूजिक वीडियो को YouTube पर 58 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, और 8 महीने पहले रिलीज हुए इस गाने का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा बढ़ा है जो साफ दिखाई दे रहा है। बढ़िया माँ, बढ़िया माँ, क्या हुआ मोए? और आपको बता दें कि इस गाने को 1.1 मिलियन लाइक्स भी मिल चुके हैं। गाने का मतलब क्या है ये भी जानना जरूरी है। बता दें, डजानम एक दर्द भरा इमोशनल सॉन्ग है। सर्बियाई में इस गाने का मतलब है बुरा सपना। इस गाने का असली मतलब है सपनों के अधूरे रह जाने की वजह से आने वाले बुरे सपनों के बावजूद एक अच्छे फ्यूचर और उम्मीद की खोज। भले इस गाने पर हमने जमकर फनी मीम्स और जोक्स बनाए हो, लेकिन रियलिटी में ये गाना थोड़ा सीरियस और इमोशनल है। 2 मिनट 58 सेकंड के इस गाने के लिरिक्स अधूरे सपनों के दुख और ऐसे दुख के बाद भी अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने की डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। गाने में बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें अपने बुरे सपनों और निराशाओं पर काबू पाना होता है, और इन सब के बाद अपनी लाइफ कंपैशन और कंफर्ट के साथ जीना होता है। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया पर इस गाने को जितना प्यार मिल रहा है उसके बाद खुद सिंगर तेया डोरा ने अपनी खुशी एक्सप्रेस की है। उन्होंने कहा है कि गाने के वायरल होने के बाद उन्हें काफी अच्छा लग रहा है कि फाइनली सर्बियाई गाने को अब अपनी पहचान मिल रही है। खैर, ये तो थी वायरल मोए मोए की कहानी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने मोए मोए पर क्या फनी किया, और मैं तो चलिए मोए मोए पे रील बनाने।